जो लोग करते हैं नशा उनकी जीवन की हो जाती है दुर्दशा, और इसी दुर्दशा को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है हाथ। आज करेंगे इसी पर बात मेरे यानी पल्लवी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में, और आप देख रहे हैं नशे पर हमारी एक खास रिपोर्ट, जहां हल्द्वानी शहर में पिछले कुछ समय से नशे की तस्करी से जुड़ी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं इसी कड़ी में शहर की पुलिस ने 34 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने तस्कर को हल्द्वानी के गैस गोदाम रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि तस्कर का नाम मोहित कांडपाल है और वो हरिपुर नायक गादी फार्म का रहने वाला है। पुलिस ने बताया, जब पुलिस की एक टीम गैस गोदाम रोड में मौजूद गायत्री नगर फेज 2 में दौरे पर थी, तभी पुलिस की टीम को देखकर एक युवक भागने लगा। युवक को भागता देख पुलिस ने उसका पीछा किया और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस टीम को उसके पास 34 ग्राम स्मैक मिली। पुलिस ने जब सख्ती से तस्कर से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह राजपुरा में रहने वाली एक महिला से स्मैक खरीद कर लाया था, जिसके बाद उसकी योजना इस स्मैक को आगे बेचने की थी, मगर इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आपको बता दें, पुलिस ने अब पकड़े गए तस्कर मनोज कांडपाल के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी नशे में हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJN न्यूज। धन्यवाद।